कोरोना काल में यहाँ स्कूल और कॉलेज बंद है, वहीं हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद स्कूल और कॉलेज चालकों पर फीस भरने का दबाव लगातार बना रहे हैं। यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने का समय आ गया है, वहीं स्कूल और कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों पर फीस न जमा होने पर परीक्षा में न बैठने की अनुमति दी जा रही है। फीस वृद्धि को ऐसे कई मामले प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कई बार मामले में ज्ञापन सौंपे गए हैं। प्रदेश में स्कूलों की मनमानी जारी, फीस न भरने पर निकालने की दी जा रही है धमकी। कई बार अभिभावक प्रदेश सरकार से लगा चुके हैं मदद की गुहार, शिकायत के बाद भी अब तक प्रशासन ने नहीं की कोई सख्त कार्रवाई। प्राइवेट स्कूलों की फीस मनमानी के बढ़ते मामले को देखते हुए पालक संघ द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसमें अभिभावकों द्वारा फीस संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर में सूचना दे सकते हैं और पालक संघ द्वारा संबंधित शिकायत का निराकरण कराने की बात कही गई। देखिए, लॉकडाउन के बाद से एक बहुत ही बड़ा आर्थिक स्तर पर चेंज आया है। पूरे भारत में करीब करीब 50-70% लोगों के या तो रोज़गार छूट गए हैं या नौकरियां छूट गई हैं। ये बात आप बार बार करने वाली नहीं बची है, और इसके साथ में लोग तनाव में भी हैं, एक अवसाद की ज़िंदगी भी जी रहे हैं। इस दौरान उनके बच्चे सबसे प्यारे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, इसके बावजूद जो अधकचरी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, जिसमें ना बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है ना वो कुछ बोल पा रहा है, इसके बावजूद भी स्कूल फीस में कंसिडरेशन नहीं करना चाहते हैं। उनका तर्क ऐसा है कि बस हमारा स्कूल है और हमारे खर्चे हैं, हमको पूरी फीस चाहिए। तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ आर्थिक कारणों से भी और कुछ एज ए उपभोक्ता भी। अगर हम देखें तो अगर आपको किसी वस्तु की, किसी सेवा की पूरी कीमत देनी पड़ रही है और उसके बदले में आपको आधी अधूरी सेवाएँ मिल रही हैं, तो वो उचित नहीं है। हमारा जो नंबर है वो फेसबुक पेज पे सहज रूप से उपलब्ध है। कोई भी पालक जब वो फेसबुक पे हमारे नंबर को देखता है, मुझसे या मेरे साथीगण जो कि आईपीए की कोर कमेटी से जुड़े हुए हैं, उन्हें सीधे संपर्क करके अपनी समस्या के बारे में बात कर सकता है। हाल ही में मुझे आज एक फ़ोन आया था कि उनके स्कूल की तरफ से उन पर एक दबाव बन रहा है फीस को लेकर, और उन्हें भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, और उनके बच्चे का नाम काटने को लेके भी दबाव बन रहा था। तो मैंने उन्हें बताया, चूँकि सब लोग अनभिज्ञ रहते हैं इन सब चीज़ों से, कि पालक संघ द्वारा कोर्ट में एक स्टे लिया गया है और एक हमें कोर्ट से ऑर्डर है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे फीस ना भी भरी हो, बच्चे का नाम फीस स्कूल में से नहीं काटा जाएगा या उसको परीक्षा देने से वंचित नहीं करा जाएगा। ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को लेके या जिला शिक्षा अधिकारी या कलेक्टर कार्यालय तक जाना हो तो पालकों का हमारा यह नंबर पालकों को सहज रूप से उपलब्ध है। वो हमसे फ़ोन पे संपर्क कर या ईमेल के थ्रू अपनी समस्याएं बताते हैं और हम उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। निजी स्कूलों के इस मनमानी के बढ़ते मामले को देखते हुए इंदौर के कई निजी स्कूलों के प्राचार्य और अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को यहाँ फायदा है, वहीं उसके कई नुकसान भी हैं, खासतौर पर उनकी सेहत पर इसका असर पड़ रहा है। और जहाँ तक ये प्रश्न है कि स्कूल या संस्थाओं द्वारा पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी संस्था डायरेक्ट पालक के ऊपर ये दबाव बनाने का प्रयास करेगी। लेकिन चूंकि क्या है, संस्थाएं भी जो हैं, जो पूरी संस्था का कार्य है वो पालकों की फीस के से ही चलता है ना, तो इस चीज़ को समझते हुए जैसा कि कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि भी ट्यूशन फीस तो लायबल है देने के लिए पेरेंट्स को, और वो देनी भी चाहिए, क्योंकि आज संस्थाओं में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी, शिक्षकगण, ये सब उसी पर डिपेंड करता है। देखिए, जहाँ तक हमारी संस्थाओं का सवाल है, तो ये एक बहुत अच्छा ग्रुप है वैष्णव ट्रस्ट के रूप में, जो पारमार्थिक कार्यों से जुड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ तो बहुत नॉमिनल फीस पर बच्चों को ये शिक्षा का जो दिया जाता है, तो यहाँ पर तो आज तक किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसा कुछ भी व्यवहार नहीं हुआ है, जबकि हमारे पालक तो आज फीस भरने की स्थिति में ही नहीं है। हमारा जो ट्रस्ट है वो पूरा खर्चा सभी संस्थाओं का वहन करने के लिए तत्पर है। सर, निश्चित ही हमारे महाविद्यालय के प्रबंधन वर्ग ने अपने विद्यार्थियों को, जो कोरोना काल में सभी को आर्थिक समस्याएं आई है, उसके प्रति बहुत सहृदयता का परिचय दिया है। विगत वर्ष में जब परीक्षा के फॉर्म अभी भराए जाने थे, ओपन बुक एग्जाम्स हुई, लेकिन जिन विद्यार्थियों की फीस ड्यू थी सत्र 19-20 की, वैसे किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा देने से वंचित नहीं किया गया है कि आपकी फ़ीस जमा नहीं है इसलिए आप परीक्षा नहीं दे सकते। प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा फॉर्म भरने की
अनुमति प्रदान की गई है और वर्तमान में सत्र 2021 के लिए भी हमने मात्र 1000 रुपये में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया है और उसके बाद उन्हें यह सुविधा दी है कि महाविद्यालय का शेष शिक्षण शुल्क वे अब वर्ष भर में आसान किश्तों में जो भी उनको सुविधाजनक हो, विद्यार्थियों की सुविधा के दृष्टिकोण से हमने उन्हीं पर छोड़ा है कि वो परीक्षा के पूर्व वे अपनी पूरा शुल्क वे जमा करा दे। यदि किसी विद्यार्थी ने पूर्ण शुल्क जमा करने में असमर्थता दर्शाई है तो ऐसे विद्यार्थियों से भी बातचीत करके उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के रूप में हमने फीस का डिस्काउंट दिया है जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हैं। चल रही है फिर इससे रिलेटेड स्कूल वाले अपनी फीस का वो कर रहे हैं कि हमें फ़ीस मिलना चाहिए और हम नहीं चाहते कि स्कूल वालों को पूरी फ़ीस मिले। वो जितना पढ़ाते हैं आप वो 45 मिनट के पीरियड को वो 10 या 15 मिनट में ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट कर देते हैं। मिलाकर जिस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए हो नहीं पा रही। हाँ, और अपन जैसा चाहते हैं वैसी स्टडी हो नहीं पा रही है। दूसरी तरफ जैसे अभी कहीं कुछ स्कूलों से फीस वृद्धि और फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा था नियम विरुद्ध जाकर, उस पर क्या कहना है आपके तरफ से भी? मेरा ये कहना है कि ट्यूशन फीस ली जाए, आपको पूरी फीसेस नहीं लेना चाहिए। जो भी आपका बनता है भाई 2-3 महीने की फ़ीस ले लो अपने ऑनलाइन क्लासेस के अनुरूप, क्योंकि स्कूल अपना पूरा 8 महीने लगता है तो अपन फीस देना संभव समझते हैं, पर स्कूल इस प्रकार से नहीं लग रहा है तो फीस भी कम दी जाए। और इसी तरह की अन्य बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।